आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। मैं अपनी ओर से, अपने नगर पंचायत की ओर से, हम अपने सभी पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शासक समिति, पूर्व पार्षद, मनेरवासी, पटना जिला के सभी वासी, बिहार के लोगों के तरफ से मैं पूरे भारत के लोगों को नए वर्ष की शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं कि अगला 2020 जो हम लोग सभी के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी समुदाय के लिए मंगलमय हो और हम लोग अपने भारत की रक्षा और अखंडता बनाए रखने में सफल रहें। नगर पंचायत मनेर में एक मामला और देखने में आया है कि वार्ड पार्षद जो है स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं और वो उनका एलिगेशन है नगर पंचायत के प्रशासनिक उस पे कि वो मुख दर्शक है, वो कुछ नहीं कर रही है। तो क्या वार्ड पार्षद का वोट बैंक में कहा जाए या क्या आखिर इनका क्या कहने का मतलब और नजरिया क्या है? नहीं देखिए, हमारे एक्चुअली जो बजाज भाई हैं, 9 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद, वो बहुत कर्मठ आदमी हैं और बहुत समझदार भी हैं और वो बराबर इसलिए भी जीत्या रहे हैं कि वो बराबर पब्लिक के बीच में रहे हैं, अपने काम को करते रहे हैं। वो इंतज़ार नहीं करते हैं किसी का कि हाँ मेरा कोई करेगा नहीं करेगा, उनके अंदर ये क्षमता है कि वो खुद से काम करते हैं और जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है खुद वो अपना काम, अपने वार्ड का वो तत्पर रहते हैं अपना कराने के लिए, चाहे किसी मामला में भी हो। लेकिन उनका एलिगेशन जो है, देखिए एलिगेशन तो है, तो एलिगेशन कोई मतलब गलत भी नहीं कहेंगे, इसलिए कि चूँकि अभी नगर पंचायत की ओर से जो सफलता होनी चाहिए हम लोगों को मज़दूरों को काम करने में लाने के लिए, सफलता भी लोग पूरी तरह है नहीं, इसलिए उनकी भी शिकायत कोई गलत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो 1 से 2 दिन के अंदर में हम लोग को सब यथावत स्थिति मिले हैं। और बजाज भाई बहुत ही कर्मठ आदमी, उनके बारे में और बहुत सोशल भी हैं और समझदार भी हैं, इसलिए वो अपना काम बखूबी करते हैं, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद भी दिया है कि भाई आपने इस काम को किया है ताकि सब लोगों को इस काम की रुचि हो और समाज में साफ सफाई की, जो हम लोग स्वच्छ भारत और स्वच्छ मनेर की जो बात कर रहे हैं उसमें आपका पहला कदम रहेगा और है। आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच।